आज हजारों की तादाद में सीटू के बैनर तले पौड़ी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भोजन माता समेत 11 संगठन ने कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव करते हुए कहा कि उनको मजदूरों से भी कम मानदेय दिया जा रहा है, साथ ही अतिरिक्त सेवा भी ली जा रही है। संगठनों की मांग है कि उन्हें वेतन भोगी बनाते हुए उन्हें न्यूनतम 18,000 मानदेय दिया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने कहा कि उनकी मांगों पर अमल न हुआ तो हम आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे, साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव के कार्य का बहिष्कार करने की भी बात कही। पौड़ी से संवाददाता मुकेश बछैती की रिपोर्ट। हम सरकारों से ये कहते हैं कि जब चुनाव आता है तब आपके घोषणा पत्रों में सबसे पहले महिलाएं रहती है या उनका विकास या महिला सशक्तिकरण के नारे रहते हैं, आपकी पहली हेडलाइन रहती है, और पूरे 5 साल आप उन्हीं भाषणबाजियों में और इसी गलत फहमियों में आप गुमराह महिलाओं को कर देते हैं कि इतने वर्ष बनने के बाद भी, इतने आंदोलन करने के बाद भी अगर फिर हम उसी पायदान पे खड़े तो कहाँ पे महिला सशक्तिकरण है, आप हमें बताइए। क्या होल्डिंग और पोस्टरों पे लगाने से, बोलने से महिला सशक्तिकरण हो जाएगा? नहीं होगा। तो उसी पे आज हमारा फिर दोबारा ये आज हमने रैली की, हमने 5 तारीख विधानसभा घेराव के दिन भी अपना ज्ञापन दिया था और 11 दिन का टाइम आज हो चुका है, सरकारों ने कोई वार्ता हमसे नहीं की है। लिहाजा आज हमने 16 तारीख को सारी ट्रेड यूनियनों ने मिलके पूरे 13 जनपदों में राज्य के जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री को हमारा ज्ञापन जाएगा और शाम तक भी अगर सरकारों ने हमें कोई चेतावनी नहीं दी, कोई वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो कल से केंद्रों में तालाबंदी होगी और हम लोकसभा में पूर्ण कार्य वोट देने के लिए भी हम बहिष्कार कर देंगे। 23 लाख वर्कर इंडिया में है आंगनबाड़ी।